नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, रिस्टोरेशन ऑफ द कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन के बारे में पिछले हफ्तों से कई बातें डिस्कशन चल रही है। जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे इंटरिम रिलीफ दिया था। अगर उस कोर्ट के स्टे को आप देखिए तो लास्ट पैरा उसका यही है, इन द मीन वाइल द नेक्स्ट स्टेट ऑफ हियरिंग विद ए कॉपी इन एडवांस इन द टू द काउंसिल अपोजिट लिस्ट ऑन फॉर 21 अगस्त 2024। इन द मीन वाइल फर्दर रिकवरी सेल रिमेन स्टेट वाइल वी हैव पास्ड द सेड इंटरिम ऑर्डर इन सेवरल केसेज रिस्ट्रेनिंग द रिस्पॉन्डेंट्स फ्रॉम मेकिंग एनी रिकवरी। इट इज क्लेरिफाइड दैट द सेम वुड बी ए डायरेक्शन इन केसेज वेयर द कंसर्न पिटिशनर हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ द रिटायरमेंट आर एवर। और इस संबंध में हमारे बैंक में भी बहुत चर्चा चल रही है और कुछ लोगों ने बैंकों को अपने हेड ऑफिस को इस तरह का रिक्वेस्ट लेटर भी लिखा जहां से हमारे रिफ्यूजल आया कि पर्टिकुलर केस के लिए ये हम मान्य है और उसमें कोई ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। पर्टिकुलरली केवल एक केस में जहां इंडियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेंशनर्स को लिखा था। इस बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सही डिसीजन लेते हुए एक लेटर जारी किया जिसमें लिखा, इश्यू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन। पहला जो पैरा है, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन। सेकेंड पैरा, इन कंप्लायंस टू इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन वेरियस CWPs द नेसेसरी डायरेक्शन टू स्टॉप द रिकवरी ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन टिल द वैकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर्स फ्रॉम पेंशनर्स हु हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ द रिटायरमेंट आर एबव हैव ऑलरेडी बीन इशूड टू योर ऑफिस इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर लिगिटेशन। वर्ड देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर लिगिटेशन इन द मैटर स्टेट गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड द इशू एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द रिकवरी ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन टिल द वैकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल पेंशनर्स इंक्लूडिंग पिटिशनर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ द रिटायरमेंट आर एबव। यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने अननेसेसरी का लिगिटेशन से बचने के लिए एक डिसीजन लिया और उन सभी एलिजिबल पेंशनर्स को जिनका 10 ईयर्स एंड अबव है उनका ये रिकवरी स्टॉप कर दिया। दिस इज ए वाइज स्टेप टेकन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। अब यहां बैंक की बात करते हैं, इंडिविजुअल बैंक एम्प्लाई रिटायरीज अपना इधर उधर बेचारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर किसी का कोई शेल्टर नहीं है। हमारे जो UFBU के उपाध्य जो वेंकटचलम सर हैं, संजीव बंदलिस महोदय हैं, ये सब लोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। जब हमारा कोई साथी किसी भी प्रकार का स्टे या इंटरिम रिलीफ ले आएगा तब ये लोग आगे आएंगे कि मेरे वजह से हुआ है। दे आर द सेमलेस एंड द वर्थलेस फेलो। इनके बारे में कुछ कहना, कमेंट करना भी अनुचित होगा क्योंकि जब इतनी बातें चल रही हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप आगे आए और कंसर्न IBA से बात करें कि इसके अनुसार यहां भी स्टॉप लगना चाहिए जब तक फर्दर कोई डिसीजन कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन सब के सब चुपचाप बैठे हुए हैं और जैसे कि बैंक जो रिटायरीज हैं या पेंशनर्स हैं उनका कोई गॉडफादर नहीं है। केवल ये सब लेवी लेने के लिए ही ये यूनियन बनी हुई है और पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।